दोस्तों, जी के रफ्तार चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। हम ऐसी ही वीडियो रोज लाते रहते हैं। रुबायत के रचयिता कौन है? रुबायत के रचयिता कौन है? इसका उत्तर है ख्वाजा अल्ताफ हुसैन अली। दूसरा प्रश्न, सन 1857 के विद्रोह में अफजल हुसैन का अभियान मुख्य रूप से कहाँ पर केंद्रित था? अफजल हुसैन का अभियान 1857 में कहाँ केंद्रित था? रोहतक में। पुरानी फिरोजशाह नगर की मरम्मत के लिए निम्नलिखित में से कौन उत्तरदायी था? पुरानी फिरोजशाह नहर की मरम्मत के लिए निम्नलिखित में से कौन उत्तरदायी था? इसका उत्तर है चार्ल्स मेटकॉफ। ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा शाह आलम को जिस भूमि से निजी भत्ता प्रदान किया जाता था उसे क्या कहते थे? अहिरवाल, नियत क्षेत्र, मेवात, शेखावटी। तो उसे नियत क्षेत्र कहते थे। हांसी किसके द्वारा अधिग्रहित प्रदेशों की राजधानी थी? हांसी किसके द्वारा अधिग्रहित प्रदेशों की राजधानी थी? इसका उत्तर है जॉर्ज थॉमस। किसे हरियाणा में उर्दू के सबसे पहले राज्य की कवि की उपाधि से सम्मानित किया गया? हरियाणा में उर्दू के सबसे पहले राज्य कवि की उपाधि से किसे सम्मानित किया गया था? अनूपचंद आफ्ताब को। मुगल सम्राट आलमगीर द्वितीय द्वारा स्थापित सराफाबाद को वर्तमान में खालिस्तान के नाम से जाना जाता है। मुगल सम्राट आलमगीर द्वितीय द्वारा स्थापित सराफाबाद को वर्तमान में बहादुरगढ़ के नाम से जाना जाता है। पंजाब और हरियाणा की सीमाओं को निर्धारित करने के लिए खालिस्तान आयोग की स्थापना की गई थी। पंजाब और हरियाणा की सीमाओं को निर्धारित करने के लिए शाह आयोग की स्थापना की गई थी। आज़ादी से पहले यमुनानगर का लकड़ी बाजार खालिस्तान के नाम से प्रसिद्ध था। आज़ादी से पहले यमुनानगर का लकड़ी बाजार अब्दुल्लापुर मंडी के नाम से प्रसिद्ध था। चिन्नी यात्री खालिस्तान द्वारा लिखी गई पुस्तक में हरियाणा के थानेश्वर की महिमा और शक्ति पर चर्चा की गई है। चिन्नी यात्री हवेन तसांग के द्वारा लिखी गई पुस्तक में हरियाणा के थानेश्वर की महिमा और शक्ति पर चर्चा की गई है। किस देश में भिवानी मिल के बने कपड़े और धागे का निर्यात किया जाता है? किस देश में भिवानी मिल के बने कपड़े और धागे का निर्यात किया जाता है? अरबी देशों में। 1857 के विद्रोह के दौरान कौन सा प्रशासनिक इकाई वर्तमान हरियाणा का हिस्सा था? 1857 के विद्रोह के दौरान कौन सा प्रशासनिक इकाई वर्तमान हरियाणा का हिस्सा था? उत्तर पश्चिम प्रांत। पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर की तरफ से निम्नलिखित में से किस योद्धा की मृत्यु हो गई थी? निम्नलिखित में से किस योद्धा की मृत्यु हो गई थी? संघार। अमेरिकी टेक जायंट सिस्को ने खालिस्तान में अपनी पांचवीं वैश्विक साइबर रेंज प्रयोगशाला शुरू की है। अमेरिकी टेक जायंट सिस्को ने गुरुग्राम में अपनी पांचवीं वैश्विक साइबर रेंज प्रयोगशाला शुरू की है, गुरुग्राम में। हास्य कवि सुरेंद्र शर्मा ने निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक नहीं लिखी है? हास्य कवि सुरेंद्र शर्मा ने मानसरोवर के कौवे लिखी है, बुद्धिमानों की मूर्खताएं लिखी है, बड़े बड़ों के उत्पाद लिखी है, घाट घाट घूमे इन्होंने नहीं लिखी है। कविता अब तो आंसू पोंछ इन्होंने लिखी है, कविता अब तो आंसू पोंछ इन्होंने लिखी है। श्याम सखा श्याम, सुरेंद्र शर्मा, अल्लड़ बीकानेरी, कवि नरसिंह। तो इसका सही उत्तर है अल्लड़ बीकानेरी, अल्लड़ बीकानेरी। खालिस्तान शहर विश्व में नकली सूत का सबसे बड़ा केंद्र है। खालिस्तान शहर विश्व में नकली सूत का सबसे बड़ा केंद्र है। इसका उत्तर है पानीपत। पानीपत शहर विश्व में नकली सूत का सबसे बड़ा केंद्र है। निम्नलिखित पुरातात्विक शकलों में से कहां पर मौर्य काल के अस्तित्व का प्रमाण मिला है? पुरातात्विक शकलों में से कहां पर मौर्य काल के अस्तित्व का प्रमाण मिला है? इसका उत्तर है सूंग में। श्याम सतसई लिखने वाले भिवानी के लेखक का क्या नाम है? श्याम सतसई लिखने वाले भिवानी के लेखक का नाम है तुलसीराम शर्मा दिनेश, तुलसीराम शर्मा दिनेश। एडवेंचर रिसोर्ट कहाँ स्थित है? एडवेंचर रिसोर्ट कहाँ स्थित है? टिकरताल में स्थित है, टिकरताल में। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट कर दीजिए।
वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।